देश भर में आज वैश्विक कोरोना महामारी का भीषण तांडव चल रहा है। वहीं प्रशासन द्वारा भी लोगों को जागरूक करने एवं बढ़ते संक्रमण की कड़ी तोड़ने के लिए नए नए अभियान चलाकर कोरोना महामारी से बचाव के उपाय बताकर सजग किया जा रहा है। उसी के तहत रायसेन जिले के कलेक्टर उमाशंकर भार्गव के निर्देशानुसार जिले की प्रत्येक पंचायत स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर बनाए जा रहे हैं, ताकि बाहर से आने वाले मजदूरों एवं अन्य लोगों को पंचायत स्तर पर क्वारंटाइन किया जा सके, जिससे ग्रामों में संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। उसी के तहत सोमवार को ग्राम कुंडाली के बालक छात्रावास को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया। उसकी व्यवस्थाओं का निरीक्षण जनपद सीओ रश्मि चौहान द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार सिलवानी जनपद की प्रत्येक पंचायत स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर बनाए जा रहे हैं, जिनका प्रशासन के आदेश अनुसार निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली जा रही है। इस मौके पर सरपंच रणधीर सिंह लोधी, रोजगार सहायक निधिकांत आचार्य, छात्रावास अधीक्षक अनिल धारण मौजूद रहे। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए सिलवानी बमोरी से संवाददाता मदन वर्मा की रिपोर्ट। जो आइसोलेशन वार्ड ग्राम पंचायत कुनाली के अंदर बनाया गया है मैडम, इसके विषय में क्या कहना है? अभी हमें वरिष्ठ कार्यालय से निर्देश मिले हैं कि सभी पंचायतों में हमें क्वारंटाइन सेंटर बनाने हैं, उसके लिए व्यवस्था की जा रही है कि भविष्य में क्वारंटाइन सेंटर की आवश्यकता अगर पड़ेगी तो हमारी जो है तैयारी पहले से रहे। उसी संबंध में आज अभी हम लोग कुंडाली के छात्रावास में आए हैं और यहाँ व्यवस्थाओं को देखा है। यहाँ काफ़ी व्यवस्था अच्छी है और जो कमी है उसके लिए बता दिया गया है, उसमें सुधार कर रहे हैं। तो जिले के प्रत्येक पंचायत स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है? जिले के प्रत्येक पंचायत स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर होना चाहिए।